आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सेक्शन 34 के लीडिंग केसेस के फैक्ट्स एंड जजमेंट को बताएंगे। एज यू नो दैट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेक्शन 34 के कॉन्सेप्ट एंड इसेंशियल को डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो को देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। नाउ आई स्टार्ट इट विथ फर्स्ट लीडिंग केस बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर AIR 1925। इस केस को पोस्ट मास्टर मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम केस के फैक्ट्स की ओर मूव करते हैं। इस केस में 5 पर्सन्स होते हैं A B C D E। इस केस में A जो डिसीज था वह संकरी टोला पोस्ट ऑफिस का पोस्टमास्टर था। वह 3 अगस्त 1923 को पोस्ट ऑफिस के एक रूम में पैसे काउंट कर रहा था। सडनली पोस्ट ऑफिस के रूम में B C D E में से 2 पर्सन अंदर आ जाते हैं और 2 बाहर खड़े होकर गेट को गार्ड कर रहे थे ताकि कोई अंदर आ ना सके। वे सभी पोस्टमास्टर से मनी को देने का डिमांड करते हैं एंड इमीडिएटली फायर्ड ऑन पोस्टमास्टर, जिससे कि पोस्टमास्टर की डेथ हो जाती है और वे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उनमें से एक बरेंद्र कुमार घोष, जो कि पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट के द्वारा पकड़ा जाता है, जो कि गेट को गार्ड कर रहा था कि कोई अंदर आ ना सके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या बरेंद्र कुमार घोष मर्डर के लिए लाइबल होगा अंडर सेक्शन 302 रीड विथ सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860, क्योंकि उसने तो मर्डर किया नहीं था और वह तो सिर्फ गेट को गार्ड कर रहा था। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज यस। उसे अंडर सेक्शन 302 रीड विथ सेक्शन 34 के अंदर लाइबल ठहराया गया बाय द कोर्ट। आफ्टर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट बरेंद्र कुमार घोष अपील में गया और उसका कंटेंशन यह था कि उसने फायर नहीं की पोस्टमास्टर के ऊपर और वह आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस खड़ा था। वह सिर्फ पोस्ट ऑफिस को गार्ड कर रहा था कि कोई अंदर ना आ सके। बट प्रिवी काउंसिल डिसमिस हिज अपील एंड कंटेंशन एंड हेल्ड दैट द अपीलिएंट लाइबल अंडर सेक्शन 302 read with section 34 of the Indian Penal Code 1860। आई होप आप लोगों को फर्स्ट केस के फैक्ट समझ में आ गए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।